शहर के साथ सटे ग्रामीण इलाकों में वर्ष 1984 से लगे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को लोगों ने अपनाने से साफ इनकार कर दिया। प्रदेश भर में टीसीपी एक्ट को लेकर आ रहे ग्रामीणों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को बनाया गया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने सब कमेटी के नाते मंडी पहुंचे और टीसीपी के दायरे में आए ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने एक मत से टीसीपी को सिरे से खारिज कर दिया। मंडी शहर के साथ सटे ग्रामीण इलाकों में वर्ष 1984 से लगे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को लोगों ने अपनाने से साफ इनकार कर दिया। प्रदेश भर में टीसीपी एक्ट को लेकर आ रहे ग्रामीणों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को बनाया गया। महेंद्र सिंह ठाकुर कैबिनेट सब कमेटी के नाते मंडी पहुंचे और टीसीपी के दायरे में आए ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने एक मत से टीसीपी को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री के समक्ष ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि टीसीपी को उन पर जबरदस्त थोपा गया है। 1984 से लागू इस एक्ट का आज दिन तक ग्रामीणों का कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि नुकसान और परेशानियां झेलनी पड़ी। ग्रामीणों ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि इस एक्ट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि बिजली, पानी और मकान बनाने से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है और कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि गौशालाएं बनाने के लिए भी नक्शे पास करवाने पड़ रहे हैं। उन्होंने मंत्री से भी ग्रामीण इलाकों को टीसीपी से बाहर करने की मांग उठाई। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने 2 घंटों से अधिक समय तक ग्रामीणों की बातें सुनी और उन सभी बातों को अपने पास नोट कर लिया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अब ग्रामीणों की बातों पर अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों को टीसीपी से बड़ी राहत दिलाने के लिए उद्देश्य से सब कमेटी का गठन किया गया है। इसके बाद महेंद्र सिंह ठाकुर ने नगर परिषद नेर चौक और ग्राम पंचायत सरका घाट में भी टीसीपी के दायरे में आने ग्रामीणों समस्याएं सुनी और उन्हें भी जल्द राहत देने का भरोसा दिलाया। अभी तो पहली बैठक हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में ऐसे अनेकों क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र को टीसी में डाला गया है, वहाँ लोगों की, पंचायतों की, क्षेत्रवासियों की अनेकों ऐसी शिकायतें थी कि हमें टीसीपी में डालने से काफ़ी दिक्कतें और मुश्किलें जो है हमारे सामने आ रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम बड़ी जल्दी ही इस पर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। पिछली बार जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया और कैबिनेट सब कमेटी की 2 बैठकें हुई। 2 बैठकों के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि सब कमेटी में हमने एरिया बांट दिया। एक क्षेत्र जो मध्यम क्षेत्र है, जिसमें मंडी, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर है, उसको वहाँ की पब्लिक हियरिंग मैं कर रहा हूँ। कांगड़ा, कुल्लू, चंबा के ठाकुर गोविंद जी कर रहे हैं और शिमला, सोलन, सिरमौर के जो है सुरेश भारद्वाज जी कर रहे हैं। आज अभी जो पहली बैठक हुई है उसमें हमारे टीसीपी के ऑफिसर्स, हमारे जिलाधीश महोदय साथ हैं और जो जो जिस चीज़ की ग्रीवेंसीज आ रही है हम उनको सुन रहे हैं, अपने पास लिखित में ले रहे हैं और कैबिनेट सब कमेटी बैठेगी, अधिकारी साथ में बैठेंगे और उसके उपरांत जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा। जो भी कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशंस है वो कैबिनेट में रखी जाएगी और जो कैबिनेट फैसला करेगी वो सिरे पर किया।